ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो वीडियो पे, अगर तुम कमेंट करोगे ना उससे मेरे एक चैनल की रीच है वो काफी ज्यादा ऊपर आ जाएगी, उससे मुझे हेल्प होगी। तो पर आज से 50 साल के बाद ऐसा होगा, मैं जो स्क्रीन पे फोटो डाल दूंगा। बबर को देख, वहां पे रजौरी वाले हमारा वेट कर रहे हैं, बबर का बड़ा पान उड़ रहे हैं। रोड रेज हो जाएगी यहाँ पर, रोड रेज। आज ये टाइम ना काफी देर के बाद आया कि मैं आमिर और इब्राहिम ना ऐसे राइड पे निकले। ये राइड हमने लास्ट टाइम की थी हिमाचल की, जो फर्स्ट राइड थी हमारी उस टाइम पे, ये दोनों बाइक थी और मेरी बुलबुल थी। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब, होप किया तुम सब बढ़िया होंगे। तो बढ़िया होने चाहिए मेरी दुआएं आपके साथ है और रात की मेरे साथ होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग है प्यारी सी, अपने इस बाइक से जो कि गिव अवे होने जा रही है भाई, B6 के व्लॉग्स को रजौरी के लिए फुल रेडी है। हमें कल ही निकलाना था बेसिकली, कल थोड़ा सा सीन हो गया था गाड़ी वाड़ी का, मैंने क्लिप भी डाल दी थी यूट्यूब पे इसीलिए ताकि तुम सबको इन्फॉर्म हो जाए कि भाई आज हम नहीं आ रहे हैं। तो छोड़ो, वो गाड़ी मॉडिफाई करवाई थी स्पेशली मीटअप के लिए तुम सबके लिए। खैर छोड़ो, जो हो गया वो होना था। अभी ये बाइक लेके जाने वाला है कौन, वो कौन चलाएगा मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं चलाने वाला। मैं अपनी गाड़ी लेके जाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अपनी गाड़ी ले चलता हूँ, मैं पहले थोड़ा बहुत ठीक नहीं हूँ, तो अपनी गाड़ी में चलते हैं। बाकी ये दोनों बाइक्स पे आ जाएंगे, लेट्स सी कि क्या सीन रहता है। होप फॉर द बेस्ट, कमेंट कर देना प्यारी सी, आगे वीडियो में बने रहें। निकलते हैं फटाफट, रेडी वेडी होते हैं। बाकी बाल चेक करो तुम्हारे भाई के, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे लग रहे हैं। बस ऐसे मैं इसीलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि यार गर्मी ज़्यादा लगती है। तो चलो भाई निकलते हैं फटाफट पहले घर से। अब बताऊँगा कितना दुखी हूँ आज। ये हंसी ज़बरदस्ती की हंसी है, बहुत ज़्यादा। भाई साहब कोई चीज़ दिखाता हूँ, आपने भी कुछ देख के गैस कर रहे थे एंड मेरे को चीज़ दिखी, मैंने कहा बब्बर का बुढ़ापा कैसा कहते हैं, मैं पहुँचे नहीं नहीं बंदे थोड़ी दिखा दे पागल है, जगह पता चल जाएगी इनको हम कहाँ है। बब्बर आज से 50 साल के बाद वैसा होगा, मैं जो स्क्रीन पे फोटो डाल दूंगा। बब्बर जहाँ पे भी है बड़ा मजबूर है तेरा भाई। बब्बर को मैं देखता हूँ ना, बब्बर को देख, वहाँ पे रजौरी वाले हमारा वेट कर रहे हैं, बब्बर का बड़ा पान उड़ रहे हैं। ये क्या है काम, सो ऑल सेट गाइस, फाइनली पुलिस स्टेशन से बाइक निकाल के यहाँ पे घर पे लगा दी हुई है सेफली। ये बाइक नहीं साथ जाने वाली है तो ज़्यादा लेट नहीं होते हैं, 4 बज चुके हैं ऑलरेडी। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं, बाइक को करते हैं बाय बाय और तुम सबसे मिलते हैं जाके सीधा रजौरी में। सो ऑल सेट गाइस, फाइनली यहाँ पे अपनी गाड़ी का लास्ट में हो रहा है पेट्रोल फिल, इसके बाद हम कहीं पे भी नहीं रुकेंगे, सीधा जाके रजौरी में ब्रेक होगी। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक रहे, आराम से निकलेंगे यहाँ पे। मैंने सोचा कि एक ही बार ना फुल करवा दूँ, कहीं पर रुकना ना पड़े। पेट्रोल अभी बाहर आने लग गया थोड़ा थोड़ा, 4,000 का कर दो पूरा, होगा नहीं होगा, काफ़ी है। चलो ठीक है, हाँ हाँ देखो मतलब 37 का है ना, ये लो कार्ड पेमेंट कर दो। हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है, बिल्कुल भी मेरा प्लान नहीं था कि मैं आज जा पाऊँ रजौरी, मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था। मुझे आज कश्मीर के लिए निकलना था बट मुझे निकलना पड़ा इनके साथ, क्योंकि ये दोनों अकेले जा रहे थे साथ, तो इन्होंने बोला कि साथ चल भाई। एट द एंड मेरा प्लान बना, इसीलिए थोड़ा सा हड़बड़ी हो गई, टाइम में आगे पीछे हो गया, बट कोई नहीं यार, अब जा रहे हैं तो आराम से निकलेंगे यार। इतनी ज़्यादा जल्दी कर रहा हूँ ना कि मैं जितनी जल्दी यहाँ से निकलूँ और रास्ता थोड़ा सा कवर करूँ, बट उतनी ज़्यादा ना प्रॉब्लम्स हो रही है, कभी कोई काम पड़ रहा है कभी कोई। अभी तुम चेक करो यहाँ पे अपना गाड़ी का टायर है वो भी पंचर हो चुका है, और मुझे समझ नहीं आ रही मसला क्या चल रहा है। हवा थोड़ी सी कम थी, मैंने भैया को बोला चेक कर दो एक बार, तो वो देखो भाई पंचर निकल गया। पंचर लगने से क्या होता है, टायर पूरा ख़राब हो जाता है। अगर ज़्यादा पंचर होंगे ना फिर अपना टायर ना चेंज करना पड़ता है बंदे को, और मेरे को ना थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि इस वाले टायर में ना मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पंचर्स वगैरह लगा चुका हूँ। बट कोई नहीं यार, प्रॉब्लम्स आएंगी तो और ज़्यादा कुछ अच्छा होगा, क्या बोलते हो। गाड़ी अभी इन्होंने हवा में कर दिया वो जैक वगैरह लगा के। गाइस सब्सक्राइब करो फुगोली व्लॉग्स को, चल मेरे भाई दक दक दक, कांग्रेचुलेशन अविनाश ब्रो, क्या बात है, इतने टाइम के बाद मोटो व्लॉग कर रहा हूँ, अजीब सी खुशी हो रही है, क्या बात है, मजा आ गया भाई। अपनी गाड़ी भी साथ साथ जा रही है, लेट्स गो। स्टोरीज वगैरह अभी अपलोड हो जाएगी इंस्टाग्राम पे तुम सबके लिए, तो आगे वेट करना हम सबका, कल मीटअप होगा बहुत ही अच्छा वाला। बाकी की जो अपडेट रहेगी वो आपको आज के व्लॉग में शाम को इंस्टाग्राम पे मिल ही जाएगी। ये देख भाई प्यार चेक करो इनका, क्या बात है, सही है, मेरे को प्रैक्टिस हो जाएगी आज ना थोड़ी सी। अगर मैं 20-30 किलोमीटर चलाऊंगा ना बाइक तो
तो मेरे को ना बोलने का पता चल जाएगा बहुत टाइम के बाद। मैं आपसे राइड पे निकल रहा हूँ बाइक लेके, अच्छा लग रहा है काफी ज्यादा। अपनी बाइक तो आ ही चुकी है, जम्मू में बड़ी हुई है। मेरे को अर्जेंट किसी काम के लिए ना कश्मीर के लिए निकलना था, वहाँ पे मेरा अपना कुछ काम है, तो इसीलिए मेरे को वहाँ पे भी निकलना था। फिर मैंने बोला रजौरी से होता हुआ मुगल रोड करके सीधा कश्मीर पहुँच जाना। तो लेट्स गो गाइस, देखते हैं क्या सीन रहता है भाई। बाइक तो एकदम सेट है, सारी चीजें इसमें कंप्लीट कर दी गई हुई हैं। अभी हम आगे रुकेंगे भाई काली तार में, जो वहां पे चाय वगैरह पियेंगे, वीडियो वगैरह एडिट करेंगे, उसके बाद आगे निकलेंगे। अभी काफी टाइम है, शाम को स्टे करना आशीर्वाद होटल में। वाह, प्यार बनाओ वीडियो में, लाइक करो ज्यादा से ज्यादा, कॉमेंट करो वीडियो पे। अगर तुम कॉमेंट करोगे ना, उससे मेरे चैनल की रीच है वो काफी ज्यादा ऊपर आ जाएगी, उससे मुझे हेल्प होगी। तुम सब प्यार करो, सब्सक्राइब करो, खानदान में जितने तुम्हारे फोन है ना उन सबके फोन से सब्सक्राइब कर दो। जल्दी से जल्दी 100K कंप्लीट करवा दो, उसके बाद मैं तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। आज ये टाइम ना काफी देर के बाद आया कि मैं आमिर और इब्रार ना ऐसे राइड पे निकले हैं। ये राइड हमने लास्ट टाइम की थी हिमाचल की, जो फर्स्ट राइड थी हमारी, उस टाइम पे ये दोनों बाइक थी और मेरी बुलबुल थी। काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, सही है, सब कुछ सही है। प्रे करता हूँ कि राइड अपनी सेफ रहे भाई। आने वाले कुछ सालों में ना ये रोड काफी ज्यादा स्मूथ और प्यारा हो जाएगा। यहाँ पे पूरा तुम देख सकते हो काम लगा हुआ है भाई। कुछ टाइम के बाद ना ये पूरा ब्लैक टॉप के साथ फाइनल हो जाएगा। नीचे यहाँ पे टनल्स भी है, मतलब काफी ज्यादा जो मतलब रास्ता है ना बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ रोड है, थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा। आराम से बाइक उनके हैंड ओवर करेंगे ताकि वो खुश हो जाएंगे। ऐसी किस्मत तुम सबकी भी हो सकती है। अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करो, पांच नेम कुछ शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं जो मे बी मैं आपको ना नेक्स्ट व्लॉग में ना वो कर दूं, अनाउंस कर दूं जिनको GoPro मिलने वाला है। लेट्स सी कि क्या सीन रहता है भाई, चेक करो तुम। आई थिंक वन मंथ पहले ना यहाँ से होकर गया हूँ विजिट करके पुंछ रजौरी में शाहदरा शिव से, बट मुझे नहीं पता था कि मुझे दोबारा से आना पड़ेगा शायद कुछ अच्छे के लिए। भाई मौसम काफ़ी ज़्यादा प्यारा हो गया, ठंड ठंड सी लग रही है। मुझे नहीं पता था कि मुझे बाइक भी चलानी पड़ेगी बीच में, इसीलिए मैंने कुछ जैकेट वगैरह वेयर नहीं की कुछ भी। जैकेट से क्या होता है, थोड़ी ना धूल मिट्टी का तुम्हें थोड़ी सी सेफ्टी रहती है। थोड़ी देर बाद ना एक लोकेशन आने वाली है, उसका नाम है कालीधार, वहाँ पे रुकेंगे थोड़ी देर, उसके बाद आगे की राइड अपनी कंटिन्यू करेंगे। सामने पहाड़ देखो भाई कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। ये वाले जो कर्व है ना भाई बहुत ज़्यादा रिस्की है, यहाँ पे अगर थोड़ी सी भी ब्रेक यहाँ स्लिप वगैरह कुछ भी हुआ ना गिरने के ना 100% चांस है। यहाँ पे तुम चेक करो भाई क्या बात है, कमाल 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 भाई। सो लेट्स गाइस, फाइनली अभी हम कर चुके हैं विजिट जिस लोकेशन का मैं नाम ले रहा था तुम्हारे साथ, कालीधार। इब्रार कैसा लग रहा है इतने टाइम के बाद दोबारा से ये सब, वही दोनों बाइक दोबारा से वापस आ रही है ना, एक बाइक की पर गाड़ी लाना भी जरूरी थी ना, इसीलिए हम बाइक लेके नहीं आए एक और इसीलिए दोनों बाइक। मैं अपने व्लॉग में भी बात कर चुका हूँ कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को दोबारा से। और बाकी तुम यहाँ का माहौल चेक करो, एकदम सुकून आराम। यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, रील्स वगैरह एडिट करेंगे, अपनी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ये रही बाइक, एकदम मस्त मक्खन की तरह चल रही है जैसे पहले चलती थी। अभी यहाँ पे वेट करते हैं आमिर और यासिर का, वो आ रहे हैं पीछे गाड़ी में, वो आते हैं तो फिर आगे निकलते हैं भाई। सो फाइनली गाइस, अभी हम पहुंचे हैं कालीधार में, प्रिंक के पकोड़े और यहाँ की फेमस चाय। यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद निकलेंगे आगे अपनी राइड कंटिन्यू करेंगे। बाहर बारिश वाला मौसम हो रखा है भाई, होप सो कि ना बारिश वगैरह ना हो। तो लेट्स सी, फाटते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से फटाफट भाई, सारे लोग हमें देख रहे हैं अंदर बैठे हुए बंदे। यहाँ पे अपना खाना पीना हो चुका है और यहाँ पे सामने तुम चेक करो अंधेरा होने वाला है। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, होप कि आप सबको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि अभी अंधेरा होने वाला है। लेट्स सी कि क्या सीन रहता है भाई, कितने बजे हम होटल वगैरह पहुँचते हैं और बाकी क्या अपडेट है वो आपको इंस्टाग्राम पर मिल ही जाएगी। तो चलो भाई निकलते हैं यहाँ से फटाफट, करते हैं गाड़ी बाइक के स्टार्ट। और वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, शेयर कर देना भाई, जितना हो सके उतना शेयर कर देना वीडियो को। बाय 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 बाय।